या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जधाना कर पद्माभ्याम् अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जिस कथा को मैं लेकर आई हूँ, जी हाँ, वो दूसरे दिन की कथा है, दूसरे रूप की कथा है, ब्रह्मचारिणी की कथा है। ब्रह्मचारिणी अपने नाम से ही परिलक्षित होता है कुछ ऐसा जो सबसे अलग है। जी हाँ, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाली, ब्रह्मचर्य को मानने वाली, जी हाँ, और कठिन तपस्या करने वाली, ये दोनों ही अर्थ उनके हैं कि तप का आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली, और जैसा दूसरा बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। तो आज जो हमारी देवी हैं ब्रह्मचारिणी, जिनकी आज हम सभी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हिमालय की बेटी हैं, और जब थोड़ी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उनके मुंह बोले भाई कह सकती हूँ, नारद जी ने उनसे बोला, देखो अब तुम्हारे ब्याह का समय आ गया है, तो यदि तुम अपने लिए उपयुक्त वर का चयन करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के लिए जो तुम्हारे साथ रहेंगे, वो हैं चंद्रमौली शिव जी। तो ऐसे तो प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सती के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इतने ज्यादा अपने आप में हो गए कि वो तप में चले गए थे, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। और जब शिव जी नहीं है तो किस तरह संसार का कार्य चलेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे ही तो काम करते हैं। तो यदि ब्रह्मा और विष्णु है और महेश नहीं है तो आगे का काम कैसे होगा? तो नारद मुनि ने अपनी बहन से कहा कि तुम तपस्या करो कि उनका जो जिस तपस्या में वो लीन है, जो ध्यान कर रहे हैं, वो भंग हो और वो आ करके तुम्हें अपने साथ ले लें, जिससे कि सृष्टि के निर्माण में सहयोग हो सकेगा। और हमारी देवी ब्रह्मचारिणी को ये बहुत अच्छा लगा और आज्ञा लेकर के वो अंदर जंगल में तपस्या करने चली गई। एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, 100 साल, 200 साल, नहीं, हजारों साल की तपस्या थी। उस तपस्या में ना ही उन्हें भान था गर्मी का, ना ही सर्दी का, ना ही बरसात का, ना ही भूख का, ना ही प्यास का, ना ही सोने का, ना ही जागने का। सिर्फ और सिर्फ ध्यान था कि उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हों
और वही उनको अपने साथ ले जाएं और उनको सदगति प्राप्त हो। पर चलता रहा, पहले कंदमूल खा करके रहती थी, उसके बाद उन्होंने बेलपत्र खाना शुरू किए, सूखे बेलपत्र खाने लगे और कालांतर में उन्होंने बेलपत्र भी खाना बंद कर दिया, यानी पर्ण तक का वो सेवन नहीं कर रही थी। तो उनका दूसरा नाम हुआ अपर्णा। जी हाँ, तो ऐसे चल रहा था और जब हजारों साल हो गए, सभी देवता आए और उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे देवी, तुम्हारे जैसा तप आज तक इस धरती पर किसी ने ना किया है और ना ही कर सकेगा, तो अब विश्रांति दो इस तप को, अपने शरीर को जो एकदम कृशकाय हो गई थी, धूल धूसत हो गई थी, और अपने पिता के घर जाओ और आएंगे चंद्रमौली आ करके तुम्हारा वरण करेंगे, उस दिन का इंतजार अपने पिता के घर जा करके कर। ये सुन के समझ के देवी अपने घर गई। तो यदि आप देवी का पूरा व्यक्तित्व देखते हैं, उनकी कोई सवारी नहीं है, वो नंगे पैर हैं, उनके एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में जपमाला है, साथ में कभी कमल का फूल भी रहता है। तो एक सादगी का प्रतीक है ये देवी, यानी अपने आप को पूरी तरह कहीं पर अर्पित कर देना, किसी के लिए अर्पित हो जाना, संपूर्ण हो जाना, उनके अंदर लीन हो जाना, ये है हमारी देवी का आज कार्य, जो कि बहुत ही मनमोहक है। एकदम ऐसे सफेद, एकदम सफेद तो नहीं कहूंगी, पर हाँ थोड़ा सा गुलाबीपन लिया हुआ सफेद वो उनका वस्त्र है, और देखने से इतनी शांति मिलती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप उनकी आराधना नहीं करेंगे। तो ये एक इतना सुंदर सा इनका जो पूरा वर्णन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनकी उपासना करने से कठिन तप पूर्ण हो जाते हैं, अध्ययन में रुचि आने लगती है। हमारे कई बच्चे होते हैं जिनको अध्ययन में रुचि नहीं होती, यदि वो देवी ब्रह्मचारिणी का आराधना करें तो बिल्कुल वो इसमें पारंगत हो जाएंगे। फिर स्मरण शक्ति बढ़ाती है, अज्ञानता का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश देती है, शांत चित्त और सौम्यता का हमारे अंदर संचार करती है, धैर्य साहस और तपस्या करने की शक्ति देती है ये माँ। और जैसा कि एक अभी मैंने बोला स्मरण शक्ति के साथ जो एक बूटी जुड़ी हुई है, वो बूटी है ब्रह्मी। वो ब्रह्मी का भी जो उत्पत्ति, ब्रह्मी की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मचरणी के साथ ही है, इसीलिए ब्राह्मी से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब आज जो हम सब पहने हुए एक हरा रंग, आज का रंग नवरात्र में हरा है, तो हरा रंग क्या करता है, प्यार का प्रतीक है, वो हमारे अंदर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, समृद्धि देता है, जोश देता है और उमंग देता है। तो चलिए इसी जोश और उमंग के साथ अब मैं यहाँ पर जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे अपनी देवी भागवत पुराण के बारे में कुछ बात करें। जी, जो महिमा भी हमने आज के रूप की ब्रह्मचारिणी की सुनी, और ऐसा शांत और अद्भुत रूप ब्रह्मचारिणी का है जैसा मालविका जी ने बताया, और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं कि देवी का एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, वो देवी भागवत पुराण है। और ये देवी भागवत पुराण भी क्या है, ये दरअसल वेद की जो प्रमुख श्रुतियां हैं उससे अनुमोदित ये ग्रंथ है, और इसलिए ये ग्रंथ जो है वो एक अपने आप में सारे शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान रखता है। ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति और मन्वंतर, ऐसे पांचों लक्षणों से परिपूर्ण ऐसा ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें 18,000 श्लोक है।
और 18,000 श्लोकों वाला ये ग्रंथ एक तरह से अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इसकी कथा भी है कि एक बार वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत जी से सारे ऋषियों ने प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आपकी जो भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की जो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं वो हमें बड़ी आकर्षित करती हैं, तो क्या कोई ऐसे किसी ग्रंथ की रचना हो सकती है जिस ग्रंथ को सुनकर हम इन सारी कथाओं का आनंद ले सकें और हम हमारे कष्टों से मुक्ति पा सकें। दरअसल हमारी समाज की आज ही नहीं, आज हमको लगता है कि हम बहुत परेशानी में हैं। हर एक व्यक्ति कहता है, आप किसी से पूछिए आप कैसे हैं, वो कहता है अरे साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, सुखी कोई है ही नहीं। नानक जी भी कहते थे, नानक दुखिया सब संसार भात भात के रोग। लेकिन ये आधुनिक काल या मध्य काल की समस्या नहीं है, ये प्राचीन काल में भी थी। और आप देखिए ऋषि मुनि भी कहते थे कि आप जो है ऐसा ग्रंथ बताइए जो हमें सारी व्याधियों से मुक्ति दिलाए, सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाए, रोग से मुक्ति दिलाए। तो ये सूत जी ने इतना बड़ा सुंदर एक ग्रंथ देवी भागवत रचा, और ये 18,000 श्लोकों की जो अद्भुत रचना है वो इतनी सुंदर रचना है, उसमें आपको सारे कष्टों का निवारण मिलता है, आपकी सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का वहां पर समाधान मिलता है। और इसीलिए आपके मन के क्लेश को दूर करना है, शरीर की व्याधि दूर करना है, आपके जो कुछ भौतिक संकट है उसको दूर करना है, इस तरह से है। जैसे जैसे एक बार हम कहते हैं कि जैसे सूर्य आने से हमारा सारा अंधकार छट जाता है। किसी ने बहुत सुंदर व्याख्या भी की कि व्हाट इज डार्कनेस, अंधेरा क्या है, उन्होंने कहा एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, अगर प्रकाश आ जाएगा तो डार्कनेस खत्म हो जाएगी। तो ये जो ग्रंथ है ये एक तरह से लाइट है, प्रकाश है, तो वो प्रकाश भी इतना सुंदर है। और जाहिर है कि अगर आप ऐसा कोई अनुष्ठान करें तो उसकी एक श्रवण पद्धति, श्रवण रीति भी होती है। ये भी एक बड़ा अजीब सा एक तर्क होता है, कई लोग कहते हैं कि ये सारे शास्त्र हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको अमुक तरीके से पढ़ना ही क्यों आवश्यक है, हम तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, कैजुअली पढ़ सकते हैं। कई लोग तो इस शास्त्र की कोई विधि का, पारायण विधि का पालन न करते हुए इसे पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने कल भी उल्लेख किया था कि ये जो अति प्रतिक्रियावादी या अति प्रगतिशीलवादी लोग हैं, ये इन तरह की परंपराओं को जुटलाना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ हमारे साथियों से यही आग्रह करता हूं कि ये जो पारायण विधि है, इसकी जो पूरे अनुष्ठान की विधि है, वो भी अपने आप में एक वैज्ञानिक है। जैसे उन्होंने कहा कि आपको एक सुंदर स्थान को आप शुचिता से पूर्ण करिए, पुराने जमाने में गोबर इत्यादि से लीप के उसको पूरा मंडप बनाना, ये शुचिता इसलिए जरूरी है क्योंकि शुचिता से ही आपके मन में एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है। तो शुचिता के साथ इसका पालन कीजिए, और जब आप इसका पारायण कर रहे हो तो उस वक्त भी कुछ ऐसे नियम पालन कर लीजिए, जैसे नहाकर ही आप ये सारी चीजों को पारायण करें, अपना कुछ उपवास कर रहे हैं या कुछ आहार के कुछ नियम बना लें। जीवन में जो नियम है उनको मानना बहुत जरूरी है। और हम उस नियम से भागते हैं, हम भागते हैं कि वो शॉर्टकट, आजकल हमारी जिंदगी में एक बहुत अच्छा टर्म आ गया है शॉर्टकट जी। तो हर चीज में शॉर्टकट नहीं जी, जब हम शॉर्टकट्स लेने लगते हैं तब हमारी जिंदगी भी हमें शॉर्टकट से दिखाने लगती है। ये देखिए ऐसा हो, तो इसलिए इसको अगर हम पूरे मनोयोग से और इसकी जो विधि है उसके साथ करेंगे तो हमें भी संतुष्टि मिलती है। और कहा गया है कि इसके देवी भागवत के श्रवण से और देवी भागवत के अनुष्ठान से निश्चित तौर पर जैसे महाभयंकर रोग हैं, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, या हमारी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक क्लेश हैं, इन सब का कहीं ना कहीं निवारण होता है। और एक और बड़ी बात है, ये कम से कम आप जब हमारे ऋषि मुनियों की कथाएं सुनते हैं, देवताओं की कथाएं सुनते हैं, एक अच्छे चरित्र की बात सुनते हैं, तो मन में तो वैसे ही शुचिता का भाव आ ही जाता है। भले आप उसका प्रभाव जो है, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को इंस्टेंट एक इम्पैक्ट चाहिए, हम लोग क्विक मनी, क्विक सक्सेस, क्विक फूड, मैगी नूडल्स, 2 मिनट्स में नूडल्स भी चाहिए, 2 मिनट में खाना भी बनना चाहिए, फिर 2 मिनट में पचना भी चाहिए, हर एक चीज की जो जल्दी है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा है जिस चीज में जितना समय लगना चाहिए उतना समय तो वो लगाए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी भागवत के अनुष्ठान से, प्रसेनजीत से जो मुक्ति पाई वो भी कथा इसमें है। तो एक महान ग्रंथ है 18,000 श्लोकों का, हमारी शास्त्र परंपरा का ये ग्रंथ है, निश्चित तौर पर इसका अनुष्ठान हमारे लिए लाभकारी होता है। और आप कौन सी कथा सुना रहे हैं? अभी प्रसेनजीत की बात जी जी जी, तो वो देवी कौन सी थी जो प्रसन्नजीत जी
ने जिनकी पूजा की और वो बची कौन थी आप बताइए। तो आज हम उन्हीं देवी के बारे में बात करेंगे, मनसा देवी। मनसा देवी जी, मनसा देवी। तो मनसा देवी जो है, इनकी उत्पत्ति की जो कथा है, इतनी सारी कथाएं हैं, जब मैं देख रही थी कि बहुत सारी बातें आती हैं। मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगी। तो मनसा देवी की जो कथा है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि कौन है, शिव की पुत्री है कि ऋषि कश्यप की पुत्री है, क्या है। तो मैं आपको छोटे छोटे तथ्य इसमें बताती चलूंगी और मुझे विश्वास है कि बहुत मजा आएगा आपको। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार शिव और पार्वती सरोवर में नहा रहे थे, एक भाई है साथ में, तो जैसे भी थोड़ा, तो उनका जो तेज था, दोनों के तेज का मिलन हुआ और वो तेज एक कमल के पत्ते के ऊपर जमा हो गया। और ये जो कमल का पत्ता था, इसको कुछ सर्पणों ने, सर्प लोगों ने घेर लिया और उसकी रक्षा की और वो भूम बन गया और उसी से उत्पत्ति हुई मनसा देवी। तो ऐसा मानते हैं इसलिए कि वो शिव की पुत्री है। फिर एक और एक है कि कुद्रु नाम की एक कद्रु नाम की एक स्त्री थी, यानी ऋषि पत्नी थी, और उनके साथ शिव जी का, जैसे पहले जमाने में होता था कि जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यक्ष में, आप बिल्कुल सामने आपके साथ कुछ हो, कोई संयोग से उनसे जब शिव जी का मिलना हुआ तो उनकी प्रतिमा को छूने से भी ये इनकी उत्पत्ति हुई मनसा देवी की। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि कश्यप ऋषि की पुत्री है, तो उनकी मानस, हम कहते हैं भगवान शिव की मानस पुत्री है, और ग्रंथों में, पुरातन ग्रंथ में कहते हैं कि कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए ये मनसा है, मन से, यहां से मस्तिष्क से हुआ था। और कश्यप ऋषि की पत्नी ही थी कुद्रु, कद्रु। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि कद्रु के साथ शिव जी का कहीं पर एक स्पर्श हुआ और उनसे ये उत्पत्ति हुई। तो ये दो चीजें हैं। फिर जो मनसा देवी हैं, ये जो हैं, ये सर्प पर, सर्प और कमल पर विराजित रहती हैं वहां पर, और ऐसा कहते हैं कि सात नाग इनका हमेशा जो है वो इनके आसपास इनकी रक्षा करते हैं, और उनके गोद में उनका पुत्र रहता है आसक्त। आसक्त तो जो आसक्त है, इन्होंने ही पूरी जो वंश है, सर्प का वंश है, इसको बचाया था। हाँ, ये उनकी गोद में बैठे रहते हैं। और हरिद्वार जब आप जाएंगे, वहीं पर पास में मनसा देवी का मंदिर बहुत 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 प्रसिद्ध है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सती माता थी, जो पहली कथा में हमने सुना कि जो सती के शरीर के हिस्से हुए थे, तो कहते हैं सती माता का मन जो है वो वहां गिरा था, इसीलिए भी उस जगह को मनसा देवी का मंदिर कहा जाता है। फिर मनसा देवी के बारे में तो इतनी ज्यादा, मनसा देवी को बंगाल में बहुत ज्यादा पूजा जाता है, और सर्पों की पूजा मनसा देवी के बाद ही प्रारंभ हुई। तो इसीलिए मनसा देवी का जो है ये बहुत बहुत ज्यादा इनके बारे में लोगों को मन में कौतूहल रहता है कि ये किस तरह की देवी हैं, क्या है इनका स्वरूप, बहुत खूबसूरत है। और आप सोचिए कि कमल दल पे बैठी है, आसपास सर्प विराजित हैं, गोद में पुत्र है, और क्या चाहिए एक देवी को, सब कुछ है, और सबके मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली ऐसी मनसा देवी को यहीं से मैं नमन करती हूँ।
आप लोगों में से जो भी हरिद्वार गए होंगे तो मनसा देवी के दर्शन जरूर किए होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हरिद्वार जाने पर मनसा देवी के दर्शन किए बगैर ऐसा लगता है कि हरिद्वार की जो हमारी यात्रा है वो पूरी हुई ही नहीं है। बहुत ही सुंदर स्थान है, लेकिन इसमें मुझे जो आपने एक कल भी जैसे एक रोचक मंदिर की बात की थी, आज भी मैं सोचता हूँ कि एक रोचक मंदिर की बात आपसे करूं। कल हम लोग उत्तर में एक रोचक मंदिर की बात कर रहे थे और आज मैं आपको पूर्व में ले जा पश्चिम पूर्व में ले जाता हूँ और बंगाल के एक रोचक मंदिर की बात करता हूँ। अभी जब अनंत आशुतोष जी आप कह रहे थे कि मैं आपको प्रसाद के बारे में बताऊंगा, तो निश्चित तौर पर पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जो माँ ब्रह्मचारिणी है, उन ब्रह्मचारिणी जी के लिए जो आज भोग लगता है वो दरअसल शक्कर का लगता है और शक्कर का भोग लगाना ही इनके लिए शुभ माना जाता है। शक्कर है, मिश्री, हाँ मिश्री है, शक्कर है, और ये माना जाता है कि इसको इसका भोग लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु होने का वरदान प्राप्त होता है। तो ये एक उस तरह की कहावत है। आज पता नहीं बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता है, तो पता नहीं कितने लोग भगवान को शक्कर का भोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, पर मुझे लगता है कि हाँ शक्कर का भोग लगाना चाहिए। हाँ ये नहीं कि सैक्रीन की गोली का भोग लगा दिया उससे भी प्रसन्न हो जाए, लेकिन कम से कम आज तक तो हमारे यहाँ ये परंपरा में जीवित है कि हम सभी, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो कि गोलियों का उनको भोग लगा नहीं। लेकिन इसीलिए मैं मालविका जी आपको जो रोचक बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी मंदिर में जाएं और आप पूजा पाठ करें और प्रसाद, अगर आप प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाएं और आपको लगे कि आपको हलवा या मोदक मिलने वाला है, और हलवा या मोदक मिलने की जगह आपको वहां पर चाउमीन या मोमोज मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब बच्चे तो कहेंगे वाह। लेकिन ऐसा मतलब आश्चर्यजनक है कि हम सोच रहे हैं कि अभी मेरे कटोरे में, मेरे दोने में हलवा आने वाला है या मेरे हाथ में एक मोदक आने वाला है, और अचानक दोने में कोई चाउमीन डाल दे या कोई एक मोमो डाल दे। लेकिन ऐसा एक मंदिर हमारे भारत में है और कलकत्ता में ही है, और कलकत्ता में ये मंदिर है जो लगभग 60-70 साल पुराना है। हुआ ये कि 1930 में जब चाइना का सोशल रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे चाइनीज भारत में आ गए शरणार्थी बनकर, और उनमें से बहुत सारे चाइनीज ने वहां पर कलकत्ते में जो तंगरा जो क्षेत्र है वो तंगरा क्षेत्र में अपनी बसाहट कर ली। अच्छा, वो तंगरा क्षेत्र ऐसा मजेदार हुआ कि बाद में उसे चाइना टाउन कहने लगे क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा चीनी लोग आ गए। उन्हीं तंगरा क्षेत्र में जो रहते थे उनमें से एक चीनी साहब थे, उनको रात में स्वप्न आया कि तुम्हें काली के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, और फिर उन्होंने जो है अपनी काली की मंदिर की वहां पर स्थापना की तंगरा क्षेत्र में। और ये जो है ये पूरे विधि विधान से वहां पर पूजा होती है तंगरा क्षेत्र में, जो जैसा देवी की पूजा होती है उसी तरह से पूरी जो है भारतीय पद्धति से, हमारी जो सनातन शास्त्रीय पद्धति है उससे वहां पर पूजा होती है। लेकिन वहां पर भोग जो है वो चाइनीज पदार्थों का लगता है, कभी चाउमीन का लगता है, हो सकता है स्प्रिंग रोल का भी लगता हो, इसीलिए तो उनको चाइनीज काली माता बोलते हैं। और जब आप कलकत्ता घूमने जाते हैं तो कलकत्ते की आइटिनरी में वो आता है। और ये चाइनीज खाना क्यों खिलाया जाता है, इसकी भी एक रोचक बात ये है कि भारत में दरअसल चाइनीज खाने का प्रचलन इसी तंगरा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। आज हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में हर एक जगह पे चाइनीज के ठेले लगे हैं, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे स्प्रिंग रेल हो, और चाहे वो मंचूरियन हो, और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें और कुछ नहीं आता हो फिर भी वो चाउमीन खाना जरूर जानते हैं, वो स्प्रिंग रोल खाना जरूर जानते हैं। ये हमारे भारत में गली मोहल्ले में पहले जैसे चाट के ठेले होते थे वैसे आज चाउमीन और इसके ठेले होते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो तंगरा क्षेत्र जो चाइना टाउन है वहीं से हुई है, और उन्हीं में से किसी जनक ने ये जो है हमारा चाइनीज काली का मंदिर वहां पर स्थापित किया है। और उसमें एक और रोचक बात हुई कि जो उसकी तीसरी पीढ़ी है उसके लोग भी जो है तो दरअसल चाइनीज, पहले कभी बुद्धिस्ट थे, अब अपने आप को चीनी हिंदू कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चीनी हिंदू हैं क्योंकि हम तो देवी के उपासक हैं, और इस तरह से वहां पर पूरी देवी की उपासना होती है, आराधना होती है। मुझे सिर्फ यहाँ ये बताने का जरूर मोह रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चाइना की यात्रा में मैं गया, बड़े उत्साह से गया, और मुझे लगा कि मुझे तो चाइनीज पसंद है तो चीन में भी मुझे चाइनीज खाने को मिलेगा और बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी बहुत निराशा हुई, जो चाइनीज हम बचपन से यहाँ पर वर्षों से खाते चले आ रहे थे उस चाइनीज में और असली चीनी खाने में जमीन आसमान का अंतर था। तो इसलिए मुझे लगा कि हम भारतीयों में एक बड़ी विशेषता ये होती है कि चाहे जैसी चीज हो
उसको हम हमारी परिस्थिति के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो भारत का चाइनीज खाना है, दरअसल उसकी शुरुआत इस चाइनीज जो चीनी माता है काली माता, उस मंदिर के आसपास हुई है। जी जी, ये मेरा गला इतना खराब हो रहा है आज, तो मैं कुछ चीजें और मनसा देवी के बारे में बता रही थी जी, तो मैं उसी को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करती हूँ। जी जरूर। कि भगवान शिव ने बहुत सुंदर एक योगी का रूप धारण किया और वो विचरण कर रहे थे, और एक स्त्री उनपे आसक्त हो जाती है और अपने मंत्र से उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, और उनसे उत्पत्ति होती है मनसा देवी की। तो मनसा देवी को ऐसा माना जाता है कि वो जो आधी है, आधा अंश उनका मनुष्य का है और आधा अंश देवी का है। फिर बाद में मनसा देवी को जब पता चला कि अरे मेरे पिता तो शिव जी हैं, तो वो शिव जी के पास गई उधर, और उनसे जो वासुकी, उनके गले में जो नाग है, वासुकी से उन्होंने कहा कि आप इनसे कहिए ना कि ये मुझे अपना लें। तो वासुकी ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है, देखो अभी मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। तो वासुकी ने शिव जी से कहा कि इनको आप सर्पलोक में भेज दीजिए, वहां जो प्रमुख अष्टनाग हैं, देखिए उनके नाम है अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंख, इन सब की कोई बहन नहीं है, तो इन्हें आप वहां भेज दीजिए, उनको बहन मिल जाएगी और इनको एक स्थान मिल जाएगा। तो उनको वहां पर भेजा और पूरा नागलोक का साम्राज्य उनको दे दिया। तो इस प्रकार मनसा देवी जो हैं, वो संपूर्ण नाग जाति की बहन और पुत्री मानी गई हैं, और संपूर्ण नाग जाति को उन पर अधिकार है ऐसा माना जाता है। और एक मतलब जैसा इन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण के भांजे परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, तो उन्होंने एक ऐसा यज्ञ कराया कि पृथ्वी से सारे नाग जो हैं वो खत्म हो जाएं, तो विलुप्त हो जाएं। तब उस यज्ञ को मनसा देवी के पुत्र आस्तिक ने बंद कराया, इसीलिए आज भी सर्पों का अस्तित्व है, नहीं तो पूरा खत्म हो जाता। तो जैसा कि मनसा देवी का आसन हंस है, उनके मुकुट और अंगरक्षक के तौर पर उन्हें विशिष्ट सर्प घेरे रखते हैं, उनके दोनों हाथों में अमृत से भरा सफेद और विष से भरा लाल कमल होता है, जिसके जरिए वो लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देती हैं। बताइए, एक विष और एक अमृत, तो आप जैसा करेंगे मनसा देवी वैसा आपको देंगी। और पहले मनसा देवी की धरती पर पूजा नहीं होती थी, फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि ऐसा क्यों, आपके तो हर अंश की पूजा होती है, मेरा ही क्यों नहीं। तो उन्होंने अपनी जिद से ये पूजा शुरू कराई, और उसके बाद कई हिस्सों पर इनके मंदिर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बंगाल में मनसा देवी का बहुत ज्यादा मान है, उनको वहाँ लोग बहुत पूजते हैं। तो ये मनसा देवी की पूरी कहानी हुई। आज दक्षिण भारत आपको लेके चलते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक जगह है मामल्लपुरम, सब जानते हैं उसके बारे में, और यह वह मामल्लपुरम का यह दुर्गा मंडप है। इसी दुर्गा मंडप में इस साइड में आप देख रहे हैं दुर्गा रेलिंग, दुर्गा के पूरे दृश्यों का, महिषासुर मर्दिनी के पूरे दृश्य का अंकन है। तो इसको हम लोग इसको तुरंत दिखाते हैं, दर्शकों को देखने की उत्सुकता हो रही होगी, यह कैसा प्रतिमा है, कैसा पैनल है। यहाँ पर पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि डबल पेटल लोटस के ऊपर, कमल के आसन के ऊपर माँ दुर्गा विराजमान थी, जिसमें महिषासुर नामक राक्षस का वध कर रही थी, जो बफेलो के ऊपर सवार था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी माता दुर्गा माता यहाँ सिंह वाहिनी देख रहे हैं, सिंह के ऊपर सवार हैं। पिछले दिन हम लोग 10 हाथ वाले दुर्गा माँ जी को देखे थे, आज आप काउंट कर सकते हैं, लगभग इनका यहाँ दिख रहा है 4 इधर हाथ, 4 इधर हाथ, 8 हाथ दिख रहा है। आयुध लगभग वही, जो आप तलवार है तो ढाल होगा, धनुष है तो बाण होगा, पाल होगा, अंकुश होगा, पास होगा, इस तरह का। और इनके गण है पीछे में इनके साथ, और इस तरफ पूरा महिषासुर
राक्षस और उसकी सेना है, उसकी फौज है। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से दुर्गा जी उनके ऊपर आक्रामक एकदम आक्रमण कर रही हैं, अपने पूरे धनुष और बाण का प्रत्यंचा इस तरह से चटराए हुए आप देख सकते हैं, और धोती पहनी हुई है ऊपर में। वक्ष स्थल पर आप देख रहे हैं एक बंद है बना हुआ, और बिल्कुल वही चूड़ी वगैरह आभूषण बाजूबंद और सब कुछ वही, और नीचे इनका गण का अलग अलग तरह का गया। यहाँ मूछ के साथ आप गण देख रहे होंगे नीचे में उनका, और इस तरह से लायन काफी आक्रामक मूड में है। और इस तरह से पिछले में हम लोग देखे थे कि महिषासुर को जब उस भैंस का उस बफैलो का जब सिर कटा तो राक्षस आदमी स्वरूप में निकला था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे तरह का इसका नीचे का पार्ट इसका मानव की तरह है, और ऊपर का हिस्सा आप हेड देख रहे हैं जानवर वाला, भैंस वाला है, बफैलो वाला है। और आप देख रहे हैं रिट्रीट हो रहा है, यहाँ भागते हुए नजर आ रहा है पीछे की तरफ, इसका बायां घुटना झुका हुआ है, मतलब बैकफुट पे आ गया और भाग रहा है पूरी अपने गन के साथ एक तरह से। आप सभी को नमस्कार। इस बहुत ही यूनिक और अनूठे प्रोग्राम में मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे भी कुछ सिखाना है। इतना सुंदर वर्णन, कहानियां हैं, और जो मूर्ति है आपने जो अभी इस मूर्ति के बारे में बताया, मैं शायद पिछले महीने ही वो देख के आई हूँ, और बहुत ही सुंदर वर्णन था आपका। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वापस देखने जाना है उसको। तो चलिए, आज हम जिस रंगोली की बात कर रहे हैं वो बहुत ही हम उसको रंगोली की श्रेणी में रखते ही नहीं है, लेकिन हर घर में ये बनाया जाता है। जब पूजा होती है, कोई शादी होता है, कोई त्योहार होता है, तो इसको कहते हैं चौक पूरना, चौक पूरते हैं। चलिए, तो मैंने आप एक छोटा सा आप लोग के लिए ये बना के रखा है, और क्योंकि चौक पूरने के लिए हमको जमीन लीपनी पड़ती है मिट्टी से, गोबर से, उसके ऊपर पानी छींटना पड़ता है, उसके बाद चौक पूरते हैं। पर क्योंकि मेरे पास वो सब अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक बोर्ड के ऊपर बनाया है। तो आपकी आज्ञा से मैं अपना कैमरा अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर करती हूँ ताकि आपको दिखने लगे। देखिए, ये जो चौक पूरा गया है, ये माना जाता है कि ये बहुत मंगलकारी और कल्याणकारी है। इसे हम कहते हैं भूमि अलंकरण, और इसको ये अधिकतर बनाया जाता है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाकों में। और इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ आटा या चावल का आटा यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे चावल का आटा रखा है, आप गेहूं का आटा भी इसमें उपयोग में लाया जाता है। साथ में अगर आपको लगता है कुछ रंग देना है तो आप हल्दी का पाउडर यूज कर सकते हैं, आप कुमकुम यूज कर सकते हैं लाल रंग अगर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा आटे से बना हुआ है। अब इसके बारे में बहुत ही सुंदर सी बात है जो मैं बताना चाह रही थी। ऐसा माना जाता है जब रामचंद्र जी सीता मैया से विवाह करके अयोध्या वापस आए तो पूरी अयोध्या नगरी में को उनकी स्वागत के लिए सजाया गया, और इस समय का बहुत ही सुंदर वर्णन श्री रामचरितमानस में भी दिया गया है। और उसमें एक लाइन ऐसी आती है, गली सकल और गंज सिंचाई जह तह चौक चारू पुराई। उसका मतलब होता है कि सारी गलियां सब जगह पर पानी डाला गया लीप कर, और जगह जगह पर चौक पूरे गए राम और सीता के स्वागत के लिए। तो ये इतनी पुरानी कला है और आज इसको हम शायद भूल ही चुके हैं, और इसका हम कोई इसको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। तो चलिए, मैं एक छोटा सा इसका मोटिव बना के आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत सुंदर गीत में एक लाइन भी है, मतलब इसी चौक पुराओ मंगल गाओ, तो वो चौक चौक पुराना। मुझे लग रहा है कि आप लोग को मेरा दिख रहा है, दिख रहा है आप जी, दिख रहा है मैडम, तो देखिए जी, मैं अपनी टेबल के ऊपर ही बना रही हूँ क्योंकि ये डार्क कलर की है। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बहुत सफाई बहुत कारीगरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन श्रद्धा की जरूरत जरूर होती है। आपके मन में बनाते समय अच्छे भाव हों,
क्योंकि आप किसी पूजा से पहले या कोई भी त्योहार से पहले भगवान के लिए चौक पूरते हैं, उसके ऊपर ही भगवान को बिठाया जाता है, उसी से भगवान का स्वागत किया जाता है। तो बहुत ही साधारण से डिजाइन्स हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद लाइट चमक रही है, ठीक है, थोड़ा चमक रही, पर आप बना लें। क्योंकि आजकल देखिए रंगोली बहुत ही अच्छे से गिरती है हाथों के बीच में से, लेकिन आटा या चावल का आटा, मैदा या जो हल्दी होती है, ये इतने आसानी से हाथ से गिरते नहीं है, तो इनको बनाने में बहुत तकलीफ होती है। मैं तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक बता रही हूँ जो आप घर के सामने बना सकते हैं। और अगर इसमें आप चाहें तो इसमें हल्दी डाल के आप इसको रंगीन भी बना सकते हैं। कई प्रांतों में ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ सफेद नहीं बनाते हैं, हाँ सही बात है, में रंग डालते हैं, हाँ, और तो उसमें जहाँ पे सफेद ही बनाया जाता है ये फर्क बहुत पड़ जाता है। वैसे चौक पूरते सफेद रंग से ही है मालविका मैम, लेकिन कई जगह पर आजकल क्योंकि लोगों को थोड़ा रंग पसंद है तो इसमें हल्दी का उपयोग किया जा सकता है, हाँ। पर मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा या जाना, जो मैं जितना समझती हूँ इसके बारे में, इसको आटे से ही बनाया जाता है, हाँ, मैंने देखा है दशहरे पर छत्तीसगढ़ में बहुत बनता है, जब हाँ मैंने वही बोला, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन, रावण के दहन के बाद जब पुरुष लोग आते हैं तो महिला चौक पुरा के वहाँ पीड़ा रख के उनकी आरती उतारती है, आरती उतारती है जी, बहुत है ऐसा। ये देखिए महाराष्ट्र में भी इसका बड़ा अच्छा प्रचलन है वो कभी हम बात करेंगे, हम दोनों उस विषय में बताएंगे आपको जल्दी। सागरिका जी की भी गले में खराश है, मेरे भी गले में खराश है, इसका मतलब गला बहुत खराब हो रखा है, मौसम बहुत गड़बड़ है और इसीलिए हमें व्रत करना चाहिए, कुछ गड़बड़ खाना नहीं चाहिए, यही हमें संकेत मिल रहा है जी। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी सी हल्दी भी इस पे, और इन सब का कारण वही है, हल्दी, चावल, आटा, कि ये छोटे छोटे जीव जंतु इनको इससे खाना मिल जाता है। कितनी अच्छी परंपराएं थी हमारी, हम हर चीज में पूरे हमारे आसपास के सब लोगों को समिष्ट करते थे, सबका हाँ। एक रहता था कि भाई ये कौवे की रोटी है, ये कुत्ते की रोटी है, गैया की रोटी है, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब हमारे मानस में यही चलता था कि सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। अब हाँ, हम पूछ कि आप कितने खाओगे, दो रोटी खाओगे तो दो ही बनेंगे आपके लिए, तीसरी रोटी घर में नहीं बनेगी, क्योंकि भूखा कोई नहीं है ना आजकल मालविका तो इस तरह से आप इसको रंग भी भर सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरा मुख्य उद्देश्य किसी को रंगोली सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं आपको रंगोली का प्रारूप कैसा था और हमने उसे क्या बदल के किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आधुनिक समय में कुछ बहुत खराब रंगोलियां बनाई जाती हैं, पर इसका जो पुराने समय में इस तरह का एक स्वरूप था, इसको भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी दादियों ने या हमारे पूर्वजों ने इनका कुछ सोच समझ के इनको बनाया है। हमारे एक दर्शक श्रीमती लता सुरेश जी का संदेश आया है, चावल या आटे से मारने के पीछे कारण है, ये चींटियों और अच्छियों का आहार होता है।
जी यही हम लोग इसी विषय पे बात कर रहे थे। धन्यवाद लता जी। देखिए उन्होंने वर्ड मारना यूज किया है जो आजकल लोग यूज ही नहीं करते ना जी। प्रोफेसर पुष्पलता सिंह जी बीएचयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मनसा देवी वाली कहानी बहुत पसंद आई इनको मैडम। धन्यवाद पुष्पलता जी। जी तब देखिए इस तरह से अगर आपको बाद में लगता है तो बीच में आप जी। धन्यवाद। शांति स्वरूप सिन्हा साहब बीएचयू से, हमारे बीएचयू से लोग आज ज्यादा लोग देख रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं उनके जी। इस तरह से आप चौक पूर सकते हैं और या मांड सकते हैं, जो वर्ड मांडना उन्होंने यूज किया वो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह से आप चौक पूरा कहते हैं इसको, और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। आपके आसपास चींटी है, छोटे मोटे जानवर हैं, इनको भी खाने मिल जाता है और आपको अलग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। इसी जगह अगर आप केमिकल से भरे हुए कलर वाले जो करंगोली यूज करते हैं उसको आप जब फेंकते हैं जो पानी है, या आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी भी उससे खराब होती है और पानी में तो बहुत ज्यादा घुल के वो उसको जहरीला बना देती है। कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस तरह से रंगोली बनाएं इस बार, और अपना पर्यावरण भी सुरक्षित रखें। ये अनंता जी मेरे को एक ध्यान आई चीज, इसलिए मैंने सोचा यहाँ संदर्भ में रंगोली का और बहुत चर्चा हुई तो मुझे लगा कि ये भी हम लोगों के लिए थोड़ा सोचना जरूरी है कि रंगोली दरअसल बनाई क्यों जाती थी, इसका क्या महत्व था। तो जाहिर है कि घर को हम सजाते हैं, हमारा भू अलंकरण होता है, ये तो बात है ही, पर व्यक्तिगत रूप से दरअसल जब आप रेखांकन कर रहे होते हैं तो आपके अंदर का तनाव खत्म होता है, क्योंकि आपके अंदर एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। आप रेखांकन में देखिए आपको सीधी लाइन खींचना है, बारीक लाइन खींचना है, उतनी ही मोटाई की खींचना है, तो आपका जो ध्यान है वो दूसरे तनावों से मुक्त होकर इसमें एकाग्रचित्त होता है, और एकाग्रता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक रंगोली का बड़ा एक अलग सा जो प्रभाव है शायद लोगों को नहीं मालूम है। और उसके बाद जो दूसरी बात है कि जब आप रंगोली निकालते हैं तो आपके जो उंगली और अंगूठा है दरअसल वो आपकी ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। तो ज्ञान मुद्रा से, ज्ञान मुद्रा बनाने से जो है आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान और आपकी ऊर्जा और आपकी मेधा, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ये जो देखिए रंगोली को जब हम बच्चों को रंगोली निकालना सिखाते हैं तो उनको ज्ञान मुद्रा की ऐसी जानकारी नहीं देते, लेकिन उनको ध्यान आता है कि वो अभ्यास में ज्ञान मुद्रा कर रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं देखिए कैसे परंपरा में आई, कि भले कोई शिक्षा कर रहा है नहीं कर रहा है, औपचारिक शिक्षा ले रहा है नहीं ले रहा है, ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर उसको अगर हम यूं ज्ञान मुद्रा दिखा दें रंगोली से, उसका कंसंट्रेशन, उसका जो एक तरह का मस्तिष्क का विन्यास है वो कितना सहज और सरल हो जाता है। रंगोली में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रंगोली, कोई भी रंगोली, मांडना हो, आप इधर कोई भी आप डालें, अलग अलग अल्पना है, तो उसमें जो डिजाइन रहता है वो पेपर पे नहीं होता, वो डिजाइन आपके दिमाग पर चलता होता है। तो उसके लिए आपके दिमाग का चलना बहुत जरूरी है। तो जब आप ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, जब आप उसको डालते हैं, आप उंगली से बनाते हैं, आपकी उंगली आपको कहाँ कितना मोटा कितना पतला करना है सब आपके दिमाग और आपकी उंगलियों का कोऑर्डिनेशन है। और ये कितनी बढ़िया बात आपने आज बताई कि ये बहुत बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को आजकल कहते हैं कि सैंड पर पेंटिंग करो, छोटे छोटे बच्चे, उससे आपकी उंगलियां अच्छी होंगी। अरे रंगोली से बनाने दो तो देखो क्या होता है, मतलब चावल का आटा, गेहूं का आटा, तो बुद्धि का विकास अलग तरीके से होगा जी। ये आज जो मेरे पीछे जो हम लोगों ने जो आज पीछे पेंटिंग लगाई है, ये एक तरह की बहुत आधुनिक आर्ट तो नहीं है, पर वाटर कलर पे चित्रकारों ने जो माँ दुर्गा को
परिलक्षित करने का, प्रदर्शित करने का कहीं प्रयास किया है। तो इस तरह की एक आर्ट है जो थोड़ी सी बंगाल की शैली से प्रभावित सी लगती है। कल हम आपको कोशिश करेंगे कि जो कालीघाट पेंटिंग है उसकी एक किसी शैली का कोई आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अनंत आशुतोष जी इतनी सुंदर जब ये प्रतिमाओं का वर्णन करते हैं तो मुझे बार बार लगता है कि लोक शैली में माँ दुर्गा का जहाँ अलग अलग तरह से चित्रण होता है, कोशिश करेंगे कि हम आपको अलग अलग शैलियों के चित्रों को भी दिखाएं। तंजावुर की शैली है, मधुबनी शैली है, राजस्थानी शैली है, नंदलाल बोस जी की बड़ी प्रसिद्ध दुर्गा माँ की पेंटिंग है, तो इस तरह का भी एक प्रयास होगा, ऐसी कोशिश है। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक भजन गा रहा है, जग में तरय को तारा तरणी राम, जग में तरय को तारा तरणी राम, या जग में जप मूढ़, या जग में जप मूढ़, हरि ताप तर को, या जग में जप मूढ़, या जग में जप मूढ़, हरि ताप तर को, जग में तरय को तारा तरणी राम, जग में तरय को तारा तरणी राम, आगमनि गम वेद, आगमनि गम वेद, ब्रह्मावखानत, आगमनि गम वेद, ब्रह्मावखानत, संकटहरणि मात, संकटहरणि मात, हरे पाप जन को, संकटहरणि मात, हरे पाप जन को, जग में तरय को तारा तरणि राम, जग में तरय को तारा तरणि राम, जोई जोई ध्यावत, जोई जोई ध्यावत, इच्छा फल पावत, जोई जोई ध्यावत, इच्छा फल पावत, आवत न यही जग में, आवत न यही जग में पुनराग मन को, आवत न यही जग में पुनराग मन को, जग में तरय को तारा तरणि राम, जग में तरय को तारा तरणि राम, तरंग तोय ताना तरंग तोय, घट घट विराजत ताना तरंग तोय, घट घट विराजत, ऐसी हरि मात, ऐसी हरि मात, कृपा करन को, ऐसी हरि मात, कृपा
को जग में तरय को तारा तरणी नाम जग में तरय को तारा तर